ऐसा लगता है सितंबर में एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का कहना है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के अनुसार 24 सितंबर को पृथ्वी के पास से दो और एस्ट्रॉइड्स 2020 GE और 2024 RO-11 गुजरेंगे। इन एस्ट्रॉइड्स से क्या धरती को खतरा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहले समझते हैं कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स मोस्टली स्टोन या मेटल से बने होते हैं और इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इन्हें स्पेस रॉक्स या मिनी प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जब स्पेस में कोई नया प्लैनेट फॉर्म होता है तो ये बचे हुए मलबे के टुकड़े हो सकते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स बहुत छोटे होते हैं जबकि बाकी 1000 किलोमीटर के डायमीटर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। एस्ट्रॉइड्स स्पेस साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन पर रिसर्च और स्टडी करके वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। तो ये तो हो गई एस्ट्रॉइड्स की कहानी। अब इन दोनों न्यू एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात करते हैं जो नासा के अकॉर्डिंग 24 सितंबर को अर्थ के पास से गुजरने वाले हैं। ये दो एस्ट्रॉइड्स हैं 2020 GE और 2024 RO-11। इन दोनों एस्ट्रॉइड्स में से 2020 GE सबसे छोटा है, विच इज 26 फीट इन डायमीटर, लगभग एक बस के साइज का। ये पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा, सिर्फ 410,000 माइल्स की दूरी पर। एस्ट्रॉइड 2024 RO-11 जो हाल ही में खोजा गया है काफी बड़ा है, 120 फीट लगभग एक एरोप्लेन की साइज का है। ये पृथ्वी से लगभग 45,80,000 माइल्स की सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। इनकी नजदीकियों के बावजूद दोनों एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं है। टेलीस्कोप्स की हेल्प से स्काई वॉचर्स 24 सितंबर को इन एस्ट्रॉइड्स को देख सकते हैं। इसके बाद 25 सितंबर को एक और एस्ट्रॉइड 2024 RK-7 पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ये थोड़ा छोटा है 2024 RO-11 से और इसका डायमीटर 100 फीट का है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा दैट इट्स रेनिंग एस्ट्रॉइड्स इन सितंबर? वेल, इससे पहले भी नासा ने अलर्ट जारी करके कहा था कि 15 सितंबर 2024 की रात को धरती से ऑन 2024 नाम का एस्ट्रॉइड टकरा सकता है, जिसकी स्पीड करीब 25,000 माइल्स पर आर होगी, यानी लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। एस्ट्रॉइड्स कॉमनली अर्थ से गुजरते रहते हैं, पर मीन वर्ल्ड एस्ट्रॉइड्स का बेसब्री से इंतजार करता है। ऑन 2024 एस्ट्रॉइड को लेकर कई सारे मीम्स बने थे और इस बार ये दोनों 2020 GE और 2024 RO-11 एस्ट्रॉइड्स के नाम पर भी कई सारे मीम्स बन रहे हैं। नासा इन्हें पीनट्स यानी बादाम के साइज का बता रहा है। फिर क्या, मीम फ्रेटर्निटी शुरू हो गई। एक ने कहा कि आखिर कितने सारे ऐसे पीनट एस्ट्रॉइड्स चाहिए होंगे जिससे कि दे कैन मेक एन इंटरप्लैनेटरी पीनट बटर। खैर, मीम्स की बात तो हो गई, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एस्ट्रॉइड से धरती को कोई खतरा नहीं होता। धरती जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वहाँ ऐसे तमाम ऑकरेंसेस होते रहते हैं जो साइंटिस्ट के लिए एक नॉर्मल ऑकरेंस होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये काफ़ी हैपनिंग हो जाता है। एस्ट्रॉइड्स को लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।